हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुराने लैपटॉप को आप कैसा नया जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा ऑलमोस्ट 2012 का ये लैपटॉप है, मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है। ये ड्यूल कोर बोल के रहेगा आपको, ये AMD प्रोसेसर है इसके अंदर। कंपनी डिफॉल्ट जो है सो इसमें हार्ड डिस्क आया था 1 TB का, और जो है सो 2 GB रैम था, वैसा ही यूज़ कर रहे थे। अभी ये टोटली हार्ड डिस्क इसका डेड हो गया है, तो इससे पहले भी वो चेंज करवाए थे, वो हार्ड डिस्क उसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम इसमें करेंगे SSD एंड रैम इंस्टॉलेशन। एक 4 GB का रैम इसमें और अपग्रेड करेंगे, क्यों मैं तो ये 8 GB सपोर्ट नहीं करेगा। एंड सेकंड आपको क्रिशियल का एक 240 GB का भी SSD इसमें इंस्टॉल कर देंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसका ये बैटरी निकालेंगे इधर से। ये हमारा पूरा ये बैक कवर रहेगा, और ये छोटा सा कवर है जो हमें ये खाली एक स्क्रू के ज़रिए निकालना है। ये निकालने बाद से आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव रहेगा, यहाँ पर रैम रहेगा। तो सबसे पहले हम बैटरी रिमूव करेंगे। तो आपको यहाँ के लॉक्स जो है सो ये दो सेट प्रेस करना रहेगा। प्रेस करके आप जो है सो बैटरी को पुश करिए, ये आपका बैटरी निकल जाएगा। बैटरी हमारा रिमूव हो गया, तो अभी पावर कट हो गया है पूरा लैपटॉप में। अभी कोई पावर नहीं है, ना कोई शॉर्ट होने के चांस रहेगा। अभी हम इसका स्क्रू ओपन कर रहे हैं। इसका एक स्क्रू रहेगा जो ओपन हो गया है, इसका स्क्रू। अभी हम इसको बेसिकली प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, ये हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 2 GB रैम लगा हुआ है, एक स्लॉट एम्प्टी है, और एक ये पुराना वाला हार्ड ड्राइव है इसका। तो अभी हम सबसे पहले इसका हार्ड ड्राइव निकालेंगे। आपको बेसिकली प्रेस करना रहेगा, इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, ये बहुत ओल्ड सीरीज़ का लैपटॉप है। तो अभी हम इसको जो है सो इसमें SSD डालेंगे। पहले हम इसको SSD का वर्क कंप्लीट कर देंगे। इसके स्क्रूज ओपन करके हम फर्स्ट इसमें SSD इसमें फिक्सिंग कर लेंगे। अभी हम ये इसका हार्ड ड्राइव निकाल दिए हैं। हाँ, यहाँ पर वापस से हम जो है सो इसका SSD लगाएंगे क्रूशियल का। अभी मैं क्रूशियल का SSD निकालूंगा बॉक्स में से। अभी इसको हम करेंगे अनरैप। ये अनबॉक्सिंग हो गया है क्रूशियल का है। ये ब्रांडिंग देख सकते हैं क्रूशियल की, आप यहाँ पर आएगा BX करके, फिर पीछे भी आपको ये रहेगा 240 GB का, इसका बार कोड वही है पूरा रहेगा। तो अभी हम इसमें यहाँ पर वापस से लगा देंगे सेम कंडीशन में। उसके बाद वन बाय वन करके इसके स्क्रूस लगाएंगे। जो कंडीशन से आप निकाल रहे हैं हार्ड डिस्क, वही कंडीशन में आपको लगाना रहेगा। ऊपर नीचे अगर हो गया या हार्ड डिस्क पलटा के आप लगा दिए तो आपको प्रॉब्लम होगा कि उसमें फ्रेम में बैठेगा नहीं वहाँ पर हार्ड डिस्क। ये हमारा SSD फिक्स हो गया है पूरा कवर में ये। अभी हम ला लेंगे लैपटॉप को वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा कनेक्टर है, यहाँ बड़ा कनेक्टर है। ये साटा का है, ये पावर का है। तो हम एज इट इज़ सेम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको रख के क्या करना है बोले तो, बेसिकली यहाँ पर अभी हम हार्ड डिस्क रख दिए हमारा SSD का। अभी अपसाइड इसको प्रेस करना रहेगा। अभी हम प्रेस कर दिए हैं, ये हो गया है। उसके बाद हम करेंगे इसमें रैम अपग्रेड 4 GB का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 GB का रैम है, ये PC3L। अभी हम इसमें अपग्रेड करेंगे 4 GB का रैम। अभी हमारा ये रैम अपग्रेड हो गया है इसमें 4 GB, और ये 240 GB का SSD भी इसमें इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे। मैं आई बटन पे आपको इसका सॉफ्टवेयर का लिंक भी दे दिया हूँ वीडियो का, आप जाके वहाँ से भी देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कवर लगाएंगे, बैक कवर। ये मैंने बैक कवर लगा दिया है। अभी यहाँ से हम इसका स्क्रू भी लगाएंगे। अभी हम यहाँ से इसको बैटरी भी लगा देंगे। तो ये इजी स्टेप है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जितना हो सका उतना शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।